अस्सलाम वालेकुम, वी आर वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार फाइनली 2-3 दिन के बाद व्लॉग बनाने की हिम्मत आ गई है, पर सब्सक्राइब फिर भी नहीं आए। तो बस जल्दी से ऐसे रेड बटन पे बस ऐसे कर दें। देखें कितना प्यारा हुआ, समझ लो सर्दी आ गई है, सुबह की धूप नहीं निकली, टाइम 8 बज रहे हैं और अभी तक धूप नहीं निकली है और बादल आए हुए हैं जी, ये देखें, और ठंडा मौसम हो गया है। यार हमारी मुर्गियां भी इधर रुकी हुई है, तो अब इनको हम खोलते हैं। और हमारा असील पट्ठा देखें जी, फुल फिट फाट इधर खड़ा है, तो सबको अब हम खोल देते हैं। और हमारे चुटकू भी देखें जी, चुटकी के पर और छोटी सी पूछ, ये देखें जी, और ये रही हमारी असील पट्ठी। तो यार इसका पानी वाला बर्तन लेके आना है, तो हमने आर्जी तौर पर आना है, ग्लास में ही रख दिया था पानी। तो अब सबको खोल देते हैं और दाना पानी खिलाते हैं। यार दाने बाल्टी में रखे हुए हैं ताकि कोई कौवा या चूहा वगैरह ना खराब कर सके, तो खोल देते हैं सब मुर्गियों को हम। आयु भाई इसको भी खोल देते हैं क्योंकि इसको तो नहीं मारते, ये देखें जी आ गए हैं। तो यार दाने गेर दिए हैं, तो ये देखें जी माशाल्लाह से खा रहे हैं अब। और असील फटी भाई आ जाओ असील, वो देखें जी साइड पर ही चली गई है। तो यार ये देखें जी माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं इकट्ठे खाते हुए। और शूजी देखें जी इधर आ गई है, यहाँ भी शूजी तुझे क्या है, ये देखें जी खिलाड़ी कर रही है, थोड़ी खेल रही है मुझसे। तो यार अपने असील को हम इसमें डाल देते हैं, वो इसके अंदर रख देते हैं, हम खा लेगा ये खुद ही। तो यार ये लो जी आ गया है, ये देखिए जी माशाल्लाह से खा रहा है दाने। तो यार चुटकू को भी दाने डाल दिए हैं क्योंकि अब चुटकू दाने खा लेते हैं, तो पहले डालते थे हम बाजरा और दलिया वगैरह, तो अब ये दाने खा लेते हैं, तो अब दाने ही डाल दिए। तो यार ये देखें जो हमारा पिछला सेटअप था जहाँ हमने असील मुर्गे रखे थे, तो हमने इस केज को पेंट किया था और चैनल का नाम भी लिखा था। यार ये देखें अभी तक लिखा हुआ है और ये मिटा नहीं है, तो ये हमने इस केज को भी करना है, तो कल हम पेंट लेके आएंगे और कल इस केज को भी हम करेंगे पेंट। तो यार ये इस मकई में चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा है ना उधर को कर देते हैं डेरे वाली साइड पर, तो उधर जाओ भाई इधर कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो यार हमारे माल्टे देखे जी, ये तो अभी छोटे ही हैं और जो दूसरा है ना वो येलो कर रहा है अपने माल्टे, ये देखें जी येलो येलो हो रहे हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से, और ज़्यादा भी लगे हैं आपकी बारिश पे। और ग्रेट दिखाते हैं अपने, तो यार ये रहा हमारा ग्रेट का दरख्त, और ग्रेट देखें जी बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और अंदर वाली साइड पर और भी बड़े बड़े हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से, और ऊपर वाली साइड पे ना येलो हो गए हैं क्योंकि इधर धूप वगैरह लगती है ना, तो धूप से येलो हो गए हैं। और बाकी ये देखें जी कितने मोटे मोटे ग्रेट हैं माशाल्लाह से, और सूजी भी हमारे पीछे पीछे ही घूम रही है। यार चूज़ा देखें जी हमारा इधर ही फिर रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं डर। तो यार मुर्गी तो बाहर निकल गई है, तो चूज़े को भी आप बाहर निकालते हैं, और चूज़ा देखें जी अच्छी हाइट वाला बनेगा इंशाल्लाह, तो बाहर निकल रहा है वो खुद ही, जाओ भाई। और इनको निकालना तो हम भूल ही गए हैं, तो अपने चुटकू को भी हम निकाल देते हैं और उसकी मदर को भी, आ जाओ भाई आ जाओ। तो यार ये देखिए जी आ गया, तो आज मैं सोच रहा हूँ इनको भी है ना हमारे जो सेटअप है इससे बाहर निकालते हैं हम, तो आम के नीचे इसको लेके चलते हैं, क्योंकि कल ये खुद ही गई थी, आज हम इनको करेंगे क्योंकि ये यार बीट कर देती है पट्ठे वगैरह में, तो हमारे जानवर बीमार होने का खतरा है जानवरों को। तो और ये तो बहुत ख़तरनाक है, शूजी अभी आई है और इसने शूजी पे हमला किया है, और हमारी शूजी देखें जी दरख्त पे चढ़ गई है, तो वो उधर तक चली जाती है, वो जो हमारा ऊपर टैन है उधर तक चली जाती है ये, तो अभी इसको भेजने की कोशिश करते हैं हम, ऊपर की तरफ आ रही है, पर अभी है ना इसको गुलहरी नहीं नज़र आ रही, अगर इधर गुलहरी नज़र आती है ना तो ये उसके पीछे जाती है, गुलहरी बोल रही है इधर कहीं पर इसको नज़र नहीं आ रही है, ये देखें जी फुल फोकस कर रही है देखने की कि मुझे मिले और मैं उस पर हमला करूं। तो यार इसको शिकार नहीं मिला और ये अब नीचे आने की कोशिश कर रही है, आ जाओ नीचे, वो देखें जी चली गई है नीचे खुद ही। तो यार बाहर निकालने का यही फ़ायदा होता है कि ये इधर गोबर वगैरह पड़ा होता है तो इधर ये खेल लेते हैं, थोड़े पैरों को सिला लेते हैं,
तो इससे है ना इनको टांगों का मसला नहीं पड़ता, तो रहते भी हेल्दी हैं ये, अच्छी ग्रोथ करते हैं ये। और एक घंटा सब हमने मुर्गों को खोल दिया था और अब पानी भी रख दिया है। तो ये देखें जी, हमारा चुटकू भी पी रहा है और हमारी देसी मुर्गियाँ भी पानी पी रही है, और असील के सामने भी रख दिया पानी और इसके सामने भी पानी रख दिया, तो दाना पानी सबका ही हो गया है। तो चलते हैं अब। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा व्लॉग, इनके उनका क्या आपको पसंद आया होगा, और सारे हमने मुर्गे रोक दिए हैं और लोग का भी करते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।